हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लिक्सन एंटीबायोटिक पाउडर के बारे में जानकारी लेंगे। अगर मुर्गी को कोई भी बीमारी नहीं है तो सुरक्षा के लिए हम इसको कब कब और कितनी मात्रा में दे सकते हैं, यानी कि अगर कोई बीमारी आने वाला है, आसपास के शेड में फैला हुआ है या मुर्गियाँ फ्री रेंज में चल रही हैं, आपको डर है कि बीमारी आ सकता है, तो सुरक्षा के लिए कितनी मात्रा में कब कब देना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर मुर्गी को बीमारी है, बीमारी लग चुका है, तो उसे कितनी मात्रा में और कब कब देना है इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। साथ ही इसके साइड इफेक्ट और इससे बचने के उपाय क्या हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और स्किप करेंगे तो आपको जानकारी आधी अधूरी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो लिक्सन पाउडर का नाम जरूर सुना होगा। यह मुर्गी पालन में काम आने वाली सबसे जरूरी दवाइयों में से एक है। इस पाउडर को वीरबैक कंपनी बनाती है, जो कि वेटनरी दवाओं के लिए अग्रणी कंपनी है। यह सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम अपने मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को एंटीबायोटिक स्ट्रेस में ला देता है, उनके लीवर को प्रभावित करता है, उसको कमज़ोर कर देता है। तो लिक्सन पाउडर भी एक एंटीबायोटिक है, इसका भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, लेकिन सभी दवाइयों में से यानी कि सभी एंटीबायोटिक में से सबसे कम साइड इफेक्ट इसका है, यानी कि यह लीवर को बहुत ही कम प्रभावित करता है। फिर भी हम यह मुर्गियों के लीवर को प्रभावित न करें और यह जल्दी से काम करे, इसके लिए लिक्सन पाउडर के साथ हम कोई भी एक मल्टीविटामिन मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर हम लिक्सन को छोड़ करके कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, फिर भी हमें साथ में मल्टीविटामिन देना जरूरी है। मल्टीविटामिन देने से लिक्सन पाउडर हो या कोई टेट्रासाइक्लिन हो या कोई भी एंटीबायोटिक हो, वह जल्दी से काम करता है, यानी कि मुर्गी जल्दी से ठीक होती है। तो याद रखेंगे, कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप अपने मुर्गियों को देते हैं तो साथ में मल्टीविटामिन जरूर दें। मल्टीविटामिन में आप विमराल दे सकते हैं, मल्टी स्टार दे सकते हैं। मार्केट में आपको कई प्रकार के मल्टीविटामिन मिल जाएंगे, किसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे चूजे को अपने सेट पे डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक दिन से लेकर के चार पाँच दिन या आठ दिन तक दो चार या ज़्यादा चूजे पाले हैं तो 8-10 भी मरते हैं। तो इसी को रोकने के लिए लिक्सन पाउडर को शुरू के 3 दिन तक हम देते हैं, और यह उस मोर्टलिटी को रोकने के लिए सबसे कारगर दवाओं में से एक है। ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर लिक्सन पाउडर का उपयोग करते हैं, और दूसरे नंबर पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिक्सन पाउडर के बारे में जान रहे हैं, तो उसका डोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जब हम छोटे चूजे को अपने सेट पे लाते हैं तो लाते ही हम उसे गुड़ का पानी देते हैं, यानी कि एक दिन उसे हम गुड़ का पानी देते हैं। फिर अगले दिन सवेरे टाइम हम अपने चूजों को लिक्सन पाउडर का घोल दे सकते हैं। लिक्सन पाउडर का घोल बनाने के लिए आपको 2 लीटर पानी लेना है, और उस 2 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम लिक्सन पाउडर को डाल देना है, और ये जो 2 लीटर का घोल बना हुआ है उसको प्रति 100 चूजों के हिसाब से आपको देना है। ऐसे आपको सवेरे टाइम करना है, और उसके बाद शाम के टाइम में आपको विमराल या मल्टी स्टार यानी कि मल्टी विटामिन आपको प्रति 100 चूजे के हिसाब से 7 ml देना है, और इसको भी आपको 2 लीटर पानी में घोल करके देना है। ऐसा आपको 3 से 4 दिन तक करना है। अगर आप इन दवाइयों का उपयोग करते हैं तो छोटे चूजों का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, और एंटीबायोटिक के कारण जो भी बीमारी आने का खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों, लिक्सन पाउडर को अगर मुर्गियां बीमार नहीं हैं फिर भी हमें प्रति 20 से 25 दिन में 2 दिन या 3 दिन के लिए चलाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है।
छोटे चूजों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर छोटे चूजे यानी कि 25 दिन के अंदर के हैं तो 2 लीटर पानी में 2 ग्राम घोलना है, और अगर मुर्गियां बड़ी हैं तो आपको 3 ग्राम प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है, अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो। साथियों, अगर मुर्गियां बीमार हैं तो उसके लिए लिक्सन पाउडर की मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुर्गियां 1 किलो साइज की है तो 5 ग्राम प्रति 100 मुर्गियों के हिसाब से आपको 2 लीटर पानी में घोल करके देना है, और अगर छोटे चूजे हैं और बीमार हैं तो उनको 3 ग्राम प्रति 100 चूजे के हिसाब से लिक्सन पाउडर को 2 लीटर पानी में घोल करके देना है। साथियों, लिक्सन पाउडर को हम सर्दी, खांसी, छींक, नाक और आंख से पानी बहना, इसके अलावा हल्का फुल्का पतला दस्त है तो उस स्थिति में हम अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर मुर्गी को कोई घाव है यानी कि वो कट गई है या किसी मुर्गी ने उसको घायल कर दिया है तो उसको भी इसे दे सकते हैं, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक है और घाव को जल्दी से सूखने में यह सहायक होता है। तो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं, और अगर आपको भी इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।